आम को छोटे टुकड़ों में कर लिया है और इसकी गुठलियों को भी निकाल लेंगे। अब इसके बीच में से जो इस तरीके से एक सफेद झिल्ली होती है उसको भी निकाल लेंगे, इससे अचार खराब होने का डर रहता है। अब इसको हम 3-4 बार पानी से धो लेंगे और इसे हम धूप में सुखा लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी और नमक, इसको भी हम 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। और इसके बाद फिर से हम हल्दी नमक वाले आम को सुखा लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। अब एक पैन में हमने सौंफ, अजवाइन, पीली सरसों, दाना मेथी, कलौंजी ली है, इसको रोस्ट करके ठंडा करके इसको पीस लेंगे। अब उसी पैन में हमने सरसों का तेल लिया है, इसे गर्म करके इसे ठंडा कर लेंगे। अब आम में हम लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, नमक, चने की दाल, पिसा हुआ मसाला, थोड़ी सी हींग डालकर मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम ठंडा तेल, इसे भी मिक्स कर लेंगे और सारा तेल डालकर इसे रात भर ढक कर रख देंगे। अब आम के अचार को आप सूखे बर्तन में ही डालिए, सूखा चम्मच यूज कीजिए, तभी आपका अचार लंबे समय तक चलेगा। लीजिए, आम का अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है।